हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है एंड थीटा लाइज सेकंड क्वाड्रेंट। सो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। फाइंड टेन थीटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे आइए। लेकिन इस क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं, आइए देखते हैं। जैसे हाँ जी, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और इसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और जहाँ से एंगल मेजर कर रहा हूँ मैं, यहाँ से एंगल मेजर कर रहा हूँ थीटा, इसको मानना है। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और रह गया वो बेस होती है। ठीक है दोस्तों, और ये भी मैंने आपको बता दिया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P बाई एच साइन थीटा होता है, B बाई एच कोस थीटा होता है, P बाई बी टेन थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, एच बाई पी कोसिकेंट थीटा होता है, एच बाई बी सिकेंट थीटा होता है और B बाई पी का होता है कोस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, आपने एक टेंथ क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए उसका हाइपोटेनियस है, ये थीटा यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो पी हो गया, बी ए हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर मैं हाइपोटेनियस का स्केयर करूँ, वो हमेशा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्केयर प्लस में बेस स्केयर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये होती है मेरी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है दोस्तों, ये थ्योरम क्वेश्चन में यूज़ होगी। ठीक है, अब क्या रह गया? ये क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट का क्या रोल है यहाँ पे? आइए देखते हैं। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं, तो यहाँ पे चार क्वाड्रेंट बनते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, छः के छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा चार रह गए, चारों के चारों क्या होते हैं? नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सभी क्या होते हैं? नेगेटिव, सभी का मतलब चार, चार रह गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद था फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा जो चारों रह गए वो क्या होते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन को स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं। मुझे साइन थीटा दे रखे 3/5 और थीटा दे रखे सेकंड क्वाड्रेंट में, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? टेन थीटे की। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले एक मैं एक राइट एंगल ड्रा करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का और एंगल मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एंगल मेजर कर रहा हूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, मुझे करना क्या है? मुझे इसकी तीनों साइडें निकालनी है। पहले मुझे इसकी तीनों साइडें निकालनी है। अगर मैंने इसकी तीनों साइडें निकालनी तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। हाँ जी, मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है साइन थीटा, उसकी वैल्यू क्या गिवन है? मुझे 3/5 गिवन है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखें, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से? पी बाई एच। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा पी बाई एच के बराबर है ना? ठीक है, ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद मुझे क्या पता चला? पी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3 और एच की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5। पी की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 5, लिख लेते हैं। पी की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 5 और पी की वैल्यू 3। ठीक है दोस्तों, किसकी वैल्यू रहेगी मेरे पास? बी की वैल्यू रहेगी। अब मैं बी की वैल्यू निकाल लूँगा। बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा। आइए यूज़ करते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्केयर। हाइपोटेनियस ये है, यानी कि 5 का स्केयर इज इक्वल टू किसके बराबर है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के 3, 3 का स्केयर प्लस में बी का स्केयर। बी की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। ठीक है दोस्तों, 5 का स्केयर क्या होता है? 25। 3 का स्केयर 9 प्लस में बी का स्केयर। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, 9 इधर आ गया तो क्या आ गया? 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्केयर। 25 में से 9 गए 16 इज इक्वल टू बी स्केयर, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है दोस्तों, जी बी की वैल्यू 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन, अब मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? टेन थीटा की।
टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा यहाँ पे देखें किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है दोस्तों। टेन थीटा पी बाय बी के बराबर होता है ना, पी बाय बी के बराबर होता है। हाँ जी, बस यहाँ से देख के वैल्यू रख दो। पी की वैल्यू क्या है आई मेरे पास 3, और एच की वैल्यू क्या है 4। हाँ जी, तो 3/4 टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3/4। लेकिन अब ये देखेंगे यहाँ पे प्लस लिखूँ क्या माइनस लिखूँ, इसके आगे प्लस लिखूँ क्या माइनस लिखूँ, वो कैसे पता चलेगा? वो मुझे पता चलेगा कोऑर्डिनेट से। कैसे, आइए देखते हैं। हाँ जी, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। और थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट ये है ना। हाँ जी, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव है, सेकंड कोऑर्डिनेट साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। इसके अलावा चारों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पर मुझे क्या निकालना है, टेन थीटा। और सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे कोर थीटा होता, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, सिंपल। कोर थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी बाय पी, ठीक है दोस्तों। बेस क्या है यहाँ पे 4, और परपेंडिकुलर क्या है 3, 4/3, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और ये कोट है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। और क्वेश्चन देखते हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मान लो आपसे पूछ ले कोस थीटा क्या होता है मेरे पास, बी बाय एच होता है ना, ये कोस थीटा बी बाय एच। हाँ जी, बी क्या है मेरा 4, और एच क्या 5, ठीक है। और थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कोसेकेंट, ये कोसेकेंट है, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सभी कहते हैं नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। मान लीजिए आपसे कोसेकेंट पूछ ले, कोसेकेंट थीटा। हाँ जी, कोसेकेंट किसके बराबर होता है, यहाँ से देखेंगे, कोसेकेंट एच बाई पी के बराबर होता है ना, एच ऊपर रहेगा और पी नीचे रहेगा, पी क्या 3, ठीक है दोस्तों। अब थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट का होता है पॉजिटिव, तो ये इसका एज इट इज आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ कोस थीटा डॉट, ये मल्टीप्लाई है, कोस थीटा मल्टीप्लाई कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -1 है, और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फाइंड साइन थीटा, मुझे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है दोस्तों। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मुझे क्या दे रखा है, कोस थीटा डॉट कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कोसेकेंट थीटा को साइन कोस की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर आपको याद हो, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। आप पिछली वीडियो देख लीजिए, तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/sin थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसको ठीक सा करके लिख लेते हैं, तो ये कोसेकेंट थीट्टा ये बटे में चला गया, साइन थीट्टा इज इक्वल टू -1, ठीक है दोस्तों। अब कोस थीट्टा बाय साइन थीट्टा क्या था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये भी इसको बोलते हैं कोर थीट्टा, इसकी वैल्यू क्या, -1। यानी कि क्वेश्चन यहाँ तक बन गया ये, यानी कि मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है कोर थीट्टा इज इक्वल टू -1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोर थीट्टा इज इक्वल टू -1, इसको 1/1 लिख लें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, सेम प्रोसेस है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये 90 डिग्री का है, यहाँ से एंगल मेजर कर रहे हैं, तो ये एच है, ये पी है, और ये बी है। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी, ठीक है दोस्तों। मुझे क्या गिवन है, कोर थीट्टा इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। आप ये माइनस साइन ना कंसीडर करें, ठीक है दोस्तों। ये माइनस साइन तो सिर्फ इसलिए होता है भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। जब यहाँ पी एच और बी लिखना है तो आप माइनस साइन ना कंसीडर करें, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। कोर थीट्टा की वैल्यू क्या है, कोर थीट्टा की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखें तो कोर थीट्टा किसके बराबर होता है मेरा, बी बाय पी के बराबर होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं, बी बाय पी के बराबर, ठीक है। जब बी बाय पी को इससे कंपेयर करेंगे ना, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस साइन ही लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन देखना है भी जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में, वो तो इसलिए माइनस है, ठीक है दोस्तों। तो बी बाय पी इज इक्वल टू 1/1 के बराबर लिया जाएगा, क्योंकि ये बी और पी लेंथ है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस लेंथ है, ठीक है। यहाँ से आप कंपेयर कीजिए, यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई, और पी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, तो एच स्केयर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पी स्केयर, पी की वैल्यू 1 है और b इज ऑल्सो 1,
तो एस स्क्वायर क्या आ गया 1+1, तो हाँ जी तो एस स्क्वायर क्या आ गया 2 आ गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई √2 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो h की वैल्यू आ गई √2, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ h आ गया √2। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। अब तीनों वैल्यू मेरे पास आ गई, अब जो मुझे निकालना है मैं निकाल सकता हूँ। मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू, निकाल दीजिए। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा 1 है, और हाइपोटेनियस क्या है मेरा √2। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे देखना है मुझे यहाँ पे प्लस लिखूँ क्या माइनस लिखूँ इसके सामने। ठीक है, अब इसका यूज़ होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आइए देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो कोस पॉजिटिव होता है, एक सिकेंट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सभी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। पर मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है साइन थीटा की, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। मैं आपसे पूछूँ टेन थीटा निकाल लो इसका, टेन थीटा क्या हो जाएगा इसका। हाँ जी, टेन थीटा किसके बराबर होता है पी बाय बी के बराबर होता है। पी क्या इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या इसका 1। ठीक है दोस्तों, और बी क्या इसका 1, तो ये भी 1 आ गया, 1/1 होता है। अब ये देखना पॉजिटिव लिखूँ क्या नेगेटिव लिखूँ। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट का होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि कोस और सेकेंट पॉजिटिव, इसके अलावा सभी का नेगेटिव, तो ये भी क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे कुछ भी पूछ सकता है आपसे। मैं पूछ लूँ, जैसे मैं पूछ लूँ आपसे कोस थीटा। हाँ जी, कोस थीटा, कोस किसके बराबर होता है बी बाय एच के बराबर होता है, बेस बाय में हाइपोटेनियस। बेस क्या 1 और हाइपोटेनियस क्या √2। ठीक है दोस्तों, पर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस का होता है पॉजिटिव, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। स्टेटमेंट पर देता हूँ मैं, इफ़ कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है दोस्तों, एंड थीटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो थीटा लाई कर रहे हैं ना, थीटा किस किस के बीच में, पाई और 3π/2 के बीच में, पाई और 3π/2 के बीच में है। ठीक है दोस्तों, इसका मीनिंग हम समझेंगे और फाइंड, मुझे इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, चार मुझे ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या गिवन है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, हाँ जी, अब पाई, पाई की वैल्यू क्या आती है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कराया था, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री करवाया था। ठीक है दोस्तों, उसमें अगर मैं, ये रेडियन फॉर्म है, ये रेडियन फॉर्म है, ठीक, 3π/2 रेडियन फॉर्म है, और ये भी रेडियन फॉर्म है, इसको डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो इसकी वैल्यू आएगी 180। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं, ऐसे ही करते थे, 180 बाय पाई करेंगे इसको, ये रेडियन टू डिग्री, तो 180 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप पार्ट वन देख लीजिए ये, और यहाँ पे थीटा एज इट इज़, हाँ जी, इसको भी रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो इसकी वैल्यू आएगी 270। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जो थीटा, इसको रीड कैसे करेंगे, थीटा लाइज, थीटा है जो, हाँ जी, थीटा 180 से बड़ा है, इसको ऐसे रीड करें, थीटा 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, इसको ऐसे रीड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थीटा 180 से तो बड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे दो लाइन ड्रा करता हूँ। हाँ जी, ये एंगल क्या है, ये एंगल 180 का होता है, ये 90 डिग्री का है, ये 180, यहाँ पे 180 डिग्री है, थीटा 180 से बड़ा है, यानी कि थीटा इससे तो आगे है और 270 से छोटा, और ये एंगल क्या है 270, यानी कि थीटा इसके बीच में है, इसके बीच में, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। उसने डायरेक्ट ना लिख के भी थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लय कर रहा है, उसने इस फॉर्म में लिखी थी। आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो मुझे ये पता चल गया थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ मुझे यहाँ से ये पता चला थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब क्वेश्चन करते हैं, आइए, हाँ जी, मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोस थीटा लिख लेते हैं। कोस थीटा क्या है मेरे पास, -1/2। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें वैल्यू ड्रा, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सभी। ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये हो जाएगा एच हो जाएगा, ये हो जाएगा पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी हो जाएगा, अगर एंगल यहाँ से मेजर हो रहा है। ठीक है, मुझे कोस थीटा गिवन है, और कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच के बराबर, बी बाय एच के बराबर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बोला था जब भी साइड कंपेयर करते हैं तो माइनस का साइन नहीं लिया जाता, क्योंकि साइड कभी माइनस में नहीं होती। यहाँ से कंपेयर कर लेते, बी की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू 2 है, यहाँ से पी की वैल्यू आप निकाल लो। पी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी की मुझे वैल्यू निकालनी है, और 1 का स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो पी की वैल्यू क्या आ गई √3। ठीक है दोस्तों, तो P की वैल्यू क्या आ गई √3, यहाँ पे लिख देता हूँ P की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, ये तो आ गई मेरी P, B, H तीनों वैल्यू आ गई। अब जो जो मुझे
प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। हाँ जी, प्रूफ में मुझे क्या चाहिए, तो मुझे टेन थीटा की वैल्यू। हाँ जी, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो। टेन थीटा किसके बराबर होता है, पी बाय बी के बराबर। हाँ जी, पी क्या मेरा रूट थ्री बाय पी क्या वन, थीटा एंड थीटा की वैल्यू होगी। अब मुझे देखना है इसके आगे प्लस लिखूँ का माइनस लिखूँ। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा होता है पॉजिटिव, तो ये रूट थ्री ही आएगा। टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ मैं। कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है, एच बाई पी के बराबर। एच बाई पी, ठीक है दोस्तों, एच बाई पी। और एच की वैल्यू क्या मेरे पास टू है, और पी की वैल्यू क्या है रूट थ्री है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सभी नेगेटिव होते हैं, यानी कि ये क्या आ गया मेरा नेगेटिव आ गया। ठीक है दोस्तों, दोनों वैल्यू मैंने निकाल ली, तो मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मेरे टेन की वैल्यू भी है मेरे पास, कोसेकेंट की वैल्यू भी। इस फार्मूले में पुट कर दो, ये जो मुझे वैल्यू दे रखी है इसमें पुट कर दो। चार मल्टीप्लाई टेन थीटा का स्क्वायर करना है, टेन थीटा क्या है रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस में थ्री कोसेकेंट थीटा का स्क्वायर टू बाय रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये स्क्वायर यहाँ पे, ये स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व कर लो। चार स्क्वायर से रूट कट गया, मल्टीप्लाई तीन माइनस में, ठीक, तीन मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे चार बटे रूट थ्री का स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, बारह माइनस के चार इजिकल टू क्या आ गया एट, तो एट क्या है ए, तो मेरा ए क्या आ गया राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आएगा भी कोई एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होता है। थैंक यू वेरी मच।